और मैं चाहूँगी कि आप आगे भी बनाते रहें और आई थिंक आपकी मूवी के भी प्लान्स हैं जैसा कि आपने मुझे बताया. सो आई एम गिविंग यू ऑल माई विशेस फॉर टुडे एंड फॉर योर फ्यूचर टुमारो. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. आई गेस वंडरफुल वॉइस वाले हमारे साहब मिस्टर रवि त्रिपाठी. मिस्टर रवि त्रिपाठी, मैंने होस्ट किया था एंड जो सेकंड सीजन था उसमें रवि वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स. और एज एन एंकर हमसे पूछा जाता था कि हम इस बात को जाहिर करें कि कौन सा सिंगर आपको अच्छा लगता है. तो सेकंड सीजन में रवि वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड डेफिनेटली उस समय भी जिस तरह से गाते थे वी वर वेरी श्योर कि ये बहुत आगे जाने वाले हैं. आई एम श्योर ही इज मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन दी सिंगिंग इंडस्ट्री एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्पीक. और आप बुला लिया और आप आ गए. थैंक यू वेरी मच. प्लीज प्लीज जॉइन अस हियर मिस्टर अनिल प्रसाद. लेट मी टेल यू म्यूजिक हमारा अगर एल्बम का चला है या एल्बम का म्यूजिक भी है आपके पास है. अरे वसीम भाई कम क्लोज कम क्लोज क्लोज सेंटर The wonderful music video, the vision of oh wow. Now I have music also. In fact, wonderful. Sir, aap dono ka. Sir, can we have a Wow, thank you very much. लॉन्च हुआ कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है. क्या कहना चाहिए आगे भी है डायलॉग वो भी बोलते हैं मौका भी दस्तूर भी मौका भी है. मैं सबसे पहले संदीप जो मेरे लिए प्रेम है उसको बहुत सारे शुभकामनाएं दूंगा ये झंकार एल्बम के लिए. झंकार एल्बम ये शायद इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है और हर इंसान का ड्रीम प्रोजेक्ट एक मुकाम रखता है एक पोजीशन रखता है. तो मैं दुआएं करूंगा कि वो पोजीशन मुकाम उसको इस झंकार एल्बम से मिले. सॉरी और यही कहूँगा ऐसा लग रहा था जब मैंने वीडियो देखा तो गणेश आचार्य नाच रहा रोड पिक्चर का थोड़ा सा ऐसा कुछ जगह रहे थे. तो और क्या कहूँ ऑल द बेस्ट झंकार एल्बम. मास्टर जी अगर बात करें थॉट की तो थॉट कैसा लगा आपको ये गाने का थॉट कैसा लगा. देखिए सबसे पहली बात तो थॉट विजन ये सब इन लोग का ही है. मेरा असिस्टेंट है राहुल थोमरे संजीव और देव इन लोगों ने इस प्रेम के साथ पूरा किया हुआ है. और इस एल्बम में नया लड़का लॉन्च हो रहा है राज जो एक्टिंग कर रहा था अभी इसमें मेन लीड में है. फिर एक लड़की है अमिता है वो है उनको ऑल द बेस्ट बोलूँगा. बहुत अच्छा शूट किया हुआ है. कैमरामैन अरुण है अरुण प्रसाद. टोटली मैं वीडियो बहुत अच्छा लगा है मुझे और मैं कहूँगा कि अच्छी ऐसी कोशिश करने से कुछ ना कुछ कामयाबी मिलती रहेगी और आगे ये कोशिश ही इंसान को कुछ बड़ा बनाती है. मास्टर जी सिंगल्स आ रहे हैं अभी सभी लोग सिंगल्स बना रहे हैं आपका कुछ प्लान है या फिर आप किसी सिंगल्स पे वर्क कर रहे हैं अभी. सिंगल्स मतलब ये जो एल्बम जिस तरीके का झंकार है उस तरीके लाइक टी सीरीज भी लॉन्च कर रही है गणेश भी लॉन्च कर रही है अभी झंकार आए तो इस तरीके का कुछ आप भी डिजाइन कर रहे. नहीं मेरी उम्र चली गई अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं. अभी शिल्पा शेट्टी का एक गाना मैंने किया था वेडिंग का सीजन है वो भी शिल्पा मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है शिल्पा की वजह से किया था. मेरा ऐसा कोई ये नहीं एल्बम करने का या एल्बम गाने का.
मैं अभी कुछ कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, कुछ अपना प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वही है बस। ए ब्रो के बाद और भी कोई फिल्म? ऑफकोर्स प्रोडक्शन चालू किया तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आहिस्ता अभी हाउसफुल 3 का गाना किया, वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। अभी बाजीराव मस्तानी गया है, व्हाट लवली गाना आप लोगों ने देखा होगा, पसंद आया होगा आप लोगों से। किसी फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देने वाले हे ब्रो की तरह? नहीं, मैंने अभी हॉलीवुड की फिल्म की है एक्टिंग में, इंग्लिश फिल्म की है, नेगेटिव रोल, उसका नाम है ऑपरेशन मिकॉन्ग। इट इज़ फायरवर्क मूवीज़ है जो हॉलीवुड की, उनके लिए किया है। अभी देखते आगे क्या है। संदीप, आप क्या कहना चाहेंगे? मास्टर जी आए आपके? कुछ नहीं सर, हर 3 महीने में एक कुछ नया म्यूज़िक वीडियो मैं लॉन्च करना चाहूँगा, मार्केट में लाना चाहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और उम्मीद करता हूँ उम्मीद से ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे। कैसा रहा सफ़र स्ट्रगल से लेके यहाँ तक का? सर था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन कुछ आशीर्वाद था जो थोड़ा हौसला हमेशा बना रहा, तो आज यहाँ तक आया हूँ। और सर सपना ये नहीं है, और भी इससे आगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपने कुछ तैयारी की? सर मेरा एक पीजी नॉट अलाउड करके एक मूवी करने जा रहा हूँ, उसका भी अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। पीजी नॉट अलाउड करके एक मूवी बना रहा हूँ जो मार्च में फ्लोर पे जाएगी, तो बस जल्दी वो भी आपको पता चल जाएगा। संदीप, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। यू नो, ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा ही है और सबके चेहरे खुश हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों को पसंद आए और बस ये वीडियो चले, बहुत से बहुत लोग देखे इसको और सराहे, लोगों को पसंद आए, बस यही एक होप है। क्या फील कर रहे हो आपकी गणेश आचार्य जैसे यू नो पर्सनालिटी आपको सपोर्ट करने आए यहाँ पे आपके साथ स्टेज शेयरिंग करें, व्हाट यू फील? जैसे कि मैंने पहले ही स्टेज पे कहा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत एज ए डांसर की थी, तो मुझे एक्टिंग में लाने वाले गणेश आचार्य ही थे जिन्होंने मुझे मनी है तो नहीं में एक्टिंग का चांस दिया था, एंजल पिक्चर में एक्टिंग का चांस दिया था, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है उनका मेरे एक्टिंग करियर में और ये आगे भी बना रहे, मैं बस उसी की होप करता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे क्या फील कर रही हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। ओके, माय नेम इज़ अमिता खुलाल एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम कर्नाटका। तो कैसा फील कर रही हैं और कहीं ना कहीं घबराहट भी है मन में? आई वाज वेरी नर्वस, सो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ऑडिशन एंड एवरीथिंग एंड फाइनली समहाउ गॉट सिलेक्टेड एंड द एंटायर टीम ऑफ संदीप सर वेरी 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 एनकरेजिंग and I was really excited to work with them and I was nervous too, so when I was nervous sir used to call me and tell me okay you do this I'll be there everything and kaisi chemistry kaisi rahi aap dono ki pardey par kaisa? I think it was chemistry to definitely achhi rahegi when you know we share a stage, to definitely ek as an actor as in professional or as in you know friends bhi hum log kafi acche hai और डेफिनेटली टीम भी अच्छी थी, तो सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे थे। कोरियोग्राफर संजीव राहुल ने कोरियोग्राफ किया है गाने को, तो कितना कंफर्टेबल थे आप लोग उनके साथ काम करते? दे वर ग्रेट एंड दे हैड सो डिफिकल्ट स्टेप्स एंड बट दे वर सपोर्टिंग, लाइक यू हैव टू डू दिस डू दैट एंड दिस एंगल दैट एंगल, सो दे वर रियली सपोर्टिंग। राज, जैसा कि सिंगल्स का दौर आ गया है, सिंगल गाने जो हैं जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में जो टॉप के हैं वहाँ से रिलीज होते जा रहे हैं 2014, 15 और 16 में भी, तो सिंगल में आप परफॉर्म कर रहे हैं फिल्मों के बाद, तो कहीं ना कहीं ये आपके करियर के लिए एक बूस्ट मान रहे हैं आपके यहाँ, ये आपके करियर के लिए एक बूस्ट होगा? डेफिनेटली मैं हर काम अपने करियर के लिए बूस्ट हो वैसा सोच के ही करता हूँ, और एक दौर था पॉप एल्बम्स का और अभी ये दौर वापस आ रहा है, तो यू नो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू नो ये सिलसिला आगे चलता जाएगा और डेफिनेटली मैं हर काम जो मैंने आपको कहा, मैं हर काम सोच के ही करता हूँ कि ये अगर ये काम कर रहा हूँ तो ये काम मुझे आगे भी हेल्प करेगा अपने करियर में, बस हर काम अच्छा हो वही सोचता हूँ। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एल्बम एंड फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।